हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बकरायद स्पेशल, एक धमाकेदार रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो आज मैं बना रही हूं कोफ्ता कबाब। चटपटा चटाखेदार ये कोफ्ता कबाब बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगता है। ये मसाले में लिपटा हुआ बहुत ही जबरदस्त कबाब है, आप इसको ट्राई जरूर करना। इसकी ग्रेवी इतनी यम है, तीखी है, थोड़ी सी खट्टी है, आपको बेहद पसंद आएगी और बकरायद के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है, तो ट्राई जरूर करना। चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं। तो ये कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg गोश्त और इसको मैंने ग्राइंड कर रखा है। अब जब बारीक आप इसको पीस लें तो इसमें ऐड करना 1 medium size की प्याज, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च। प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया था और इसमें जो पानी था वो निकाल दिया था, तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर लेना। 1/2 tablespoon लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 tablespoon जीरा पाउडर, 1/2 tablespoon गर्म मसाला, 1 tablespoon कुटा हुआ धनिया, 1/2 tablespoon काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के हिसाब से ऐड करना नमक। 2 tablespoon ऐड करेंगे इसमें भुने हुए चने का पाउडर, ये बाइंडिंग के लिए है। साथ ही कबाब हमारे बिल्कुल सॉफ्ट बने तो इसमें हम 1/2 से 1 tablespoon ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट। बस यही चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है। ये चीज़ें ऐड करके हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसके हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे, मतलब इसको शेप दे देंगे राउंड। तो जितना बड़ा आपको बनाना है उतना पोर्शन इसमें से लेना और इसको बिल्कुल राउंड कर लेना। तो बिल्कुल जैसे कोफ्ते बनाते हैं वैसे ही बनाना है। अब देखिए ये कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं, अब हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी जिससे हमारे कबाब बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। तो इसके लिए आपको लेना है एक जार, इसमें ऐड करना है 1 टमाटर, ग्रेवी अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप 2 टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हो। साथ ही ऐड करेंगे 1 कच्चा आम और 3-4 आप इसमें सूखी लाल मिर्च ऐड कर देना। 1/2 teaspoon ऐड करेंगे इसमें जीरा और फिर इसमें 1/2 cup पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो नमक इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, ऐसे ही आपको ये चटनी तैयार कर लेनी है। अब हमें कोफ्तों को फ्राई करना है, तो मैंने ये ऑयल गर्म कर लिया था, मीडियम फ्लेम पर हम इन कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए हम एक साइड से इनको पकाएंगे और फिर हम इनको फ्लिप कर देंगे और चलाते हुए इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, काफी अच्छा सा कलर इन पर आ गया है और ये अंदर तक अच्छे से पक भी गए हैं। तो अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। अब देखें जो ऑयल बचा था मैंने इसमें से थोड़ा सा ऑयल कम कर दिया है, आप चाहो तो इसको और कम कर सकते हो। अब ये ऑयल गर्म है तो इसमें हम ऐड कर देंगे ये चटनी जो हमने बनाई थी। थोड़ा सा पानी मैंने खंगाल कर इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड करना चटनी के हिसाब से। बस अब इसको हम यहाँ अच्छे से भून लेंगे। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है तो इसमें कुछ और ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये चटनी ऐड करना और इसको अच्छे से भून लेना। अब जब ये भून लो आप तो इसमें ऐड कर देना फ्राई किए हुए कोफ्ते। बस ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जो मसाला है ये हम इस पर अच्छे से लिपटा देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। चलिए मैंने इनको पका लिया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 medium size की प्याज। इस तरह से रिंग आपको बनाने हैं और इसमें ऐड कर देना है। प्याज इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब प्याज आप इसमें जरूर ऐड करना। ग्रेवी हमने खट्टी बनाई है और प्याज के साथ में हल्का सा मीठा टेस्ट आ जाता है, तो एकदम से तीखा मीठा और खट्टा मिलकर इतना परफेक्ट टेस्ट बनता है इसका। तो प्याज ऐड करना, साथ ही इसमें ऐड करना हरी मिर्च। हरी मिर्च आप इसमें 6-7 जितनी ऐड करना चाहो कर लेना अपने टेस्ट के हिसाब से। और मैंने यहाँ कुछ को बीच से कट कर लिया था और कुछ मैंने साबुत ही ऐड की है। तो बस यहाँ हरी मिर्च और प्याज हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ मिलाते हुए हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए मसाला अच्छे से इस पर लिपट गया है और प्याज भी जो हमने इसमें ऐड की थी वो भी कुछ कुछ सॉफ्ट होने लगी हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, साथ ही ऐड करेंगे इसमें 1/2 lemon, मतलब नींबू का रस आपको इसमें ऐड करना है। और अब इसको हम सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अभी ये हमारे कोफ्ता कबाब रेडी हो गए हैं। लास्ट में आप इसमें डाल देना थोड़ा सा हरा धनिया और इसको एक बार मिला देना। तो अभी ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, चलिए फटाफट से इनको सर्व करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, ग्रेवी बहुत बेहतरीन है। आप इसको ऐसे खाओ या फिर आप इसको रुमाली रोटी के साथ में खाना, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो ज़रूर से ट्राई करना। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।